देखिए कुसुमिता, कुल 16 लोगों के नाम हैं जिनमें आशीष मिश्रा तो शुरू से ही मुख्य अभियुक्त था, और एफआईआर अगर आपको याद होगी 4 अक्टूबर को जो घटना के अगले दिन हुई थी उसमें ही आशीष मिश्रा का नाम अकेला नाम था जो उसमें एफआईआर नेम्ड जिसके खिलाफ की गई थी। उसके अलावा अन्य अज्ञात अभियुक्त थे जिनकी पुलिस की जांच इन्वेस्टिगेशन जो चली है उसके बाद में कुल 16 लोगों के नाम आए। एक नाम प्रमुख उसमें और ऐड हुआ है जो वीरेन शुक्ला का बताया जाता, और ये पलिया जहाँ के भी एक किसान की मौत हुई थी उस काफिले से जो आशीष मिश्रा मोनू लेकर जा रहा था, उसमें पलिया का जो ब्लॉक प्रमुख है वीरेन शुक्ला उसका भी नाम चार्जशीट में ऐड किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 201 लगाई गई है। साक्ष्य छुपाने का जो आरोप होता है उसके आधार पर चार्जशीट लगी, कुछ 5000 पन्नों की चार्जशीट है और लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और उसके बाद आज 90 दिन चुकी कोर्ट में पूरे हो रहे थे और चार्जशीट के लिए 3 महीने का वक्त होता है, 90 दिन का वक्त होता है, तो उस लिहाज से आज चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। अभी प्रक्रिया चल रही है, जो पुलिस के लोग हैं विवेचक हैं वो इस समय सीजीएम कोर्ट लखीमपुर में मौजूद है और उनके सामने इस पूरे मामले को लेकर के बात चल रही है। और ये भी बताना चाहूंगा कि ये बड़ा चर्चित मामला था, और शुरू में चूंकि अजय मिश्रा ट्रेनी ने ये कहा था कि उनका बेटा इस पूरे मामले में गुनाहगार नहीं है, उसके विरुद्ध कोई भी आरोप सत्य अगर पाया जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, ये बड़ा दावा उन्होंने किया था। और अभी कुछ दिन पहले जब एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले पर बिठाई गई थी, उस एसआईटी ने भी कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें ये कहा था कि जो आशीष मिश्रा है उसने सोची समझी साजिश के तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये एक दुर्घटना मात्र नहीं है, क्योंकि पहले से ही लोगों को ये मालूम था कि जो दंगल का कार्यक्रम 3 अक्टूबर को तिकुनिया में आयोजित किया गया था, अजय मिश्रा टेनी का जो गांव है वहां पर, उस कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और जो भी लोग उस कार्यक्रम में आने वाले थे उनको तिकुनिया में चूंकि किसानों का संघर्ष चल रहा था इसलिए उनको दूसरे रूट से वहां पर ले जाया जा रहा। सत्य अंतहीन, सत्यर खोजो तई सत्य सन्धने तई आमरा अक्लान्त अकुत भय। एबीपी आनंद नतून भावनार प्रतीक जा मने मुक्त তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ, সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত অকুত ভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ, সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।